डॉक्टर नमस्ते डॉक्टर, मेरी वाइफ को जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है और एलर्जी भी है कि सर्दी हो जाती है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है? जी बिल्कुल ले सकती है। मोटे तौर पे सारे लोगों को मैं बता दूं कि जब आपने सुना था डॉक्टर भारत सरकार की गाइडलाइंस कि 60 प्लस के ऊपर जब खोला गया तो कहा गया जो 45 से 60 के बीच में है जिनको को मॉर्बिडिटी है, मतलब उनको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ये सब है, उनको पहले ओपन किया गया जनरल पॉपुलेशन से। जो खोला गया कि ज्यादातर बीमारी वालों को कोरोना होने की संभावना या बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है तो उनको वैक्सीन पहले लग जाए ताकि वो ज्यादा सुरक्षित हो जाए। तो इसीलिए मोटे तौर पे हर व्यक्ति जान ले कि आम तरह जितनी भी कॉमन बीमारियां हैं उनमें कोई भी आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, आप वैक्सीन लगाने चले जाएं। केवल वो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाली हैं उनको छोड़ करके या कोई इम्यूनोसप्रेसिव खा रहा है लंबे समय से, स्टेरॉइड्स खा रहा है, मेथोट्रेक्सेट खा रहा है, उनको अपने डॉक्टर से बात करके ही जाना है। बाकी सामान और जो आपका वैक्सीनेशन सेंटर है वो खुद भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स रहते हैं, आप उनसे दोबारा चेक कर सकते हैं। एलर्जी अगर पहले से पता है किसी दवाओं से, आप नेट पे जाकर के दवाओं में मिली हुई वैक्सीन में मिले हुए कंटेंट्स देख सकते हैं, उसमें आपको एलर्जी आपकी कंपाउंड मैच नहीं करता है, आप सुरक्षित हैं।